I spend 53 hours in 9 days, which is 5.7 hours per day on this painting. And I completely ruined it. Because let's start from the beginning. आज डेट है कि 26th मार्च ते आपा लगे नवीं पेंटिंग शुरू करन ते इस पेंटिंग लिए आपा बना रहे हैं वॉलीजल ते वॉलीजल आपा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उधर आपा खड़े होके भी काम कर सकते हैं खड़े होके काम इसलिए करना है क्योंकि 4-5 घंटे लग जाने एक सेशन दे विच बंदा बैठे बैठे वैसे ही थक जाता तो आपा खड़े होके भी काम कर सकते हैं एंड इट्स ऑल्सो गुड टू हैव अ चेंज सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग एन ईजल जेडे इंटरेस्टिंग ने दैट हाउ आई मेड दिस वॉल ईजल सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल अपलोड दैट वीडियो वेरी सून सो दिस वॉज द फोटो दैट आई क्लिक्ड फ्यू वीक्स अगो बहुत सोहना सनसैट हो रहा सी एंड आई सॉ दिस मिस्टीरियस क्लाउड फ्लोइंग इन द स्काई मैं उसी टाइम कैमरा चकिया तो फोटो खिंच के रख ली सोचा कि कदे काम आऊ जब भी मैं कोई भी चीज़ वधिया लगती है तो हमेशा मैं उसकी फोटो खिंचदा आफ्टर सम डेज आई गॉट अ कॉल एंड आई पार्टिसिपेटेड इन अ एग्जीबिशन एट अलांटे मॉल विच विल स्टार्ट फ्रॉम 5th ऑफ द मे मेरे को एग्जीबिशन लिए काफ़ी पेंटिंग पईयां सी बट मैं सोचा कि क्यों ना कोई एवें दी पेंटिंग बनाई जाए जिहड़ी सिंपल होवे एंड रिलेटेबल होवे Then I shuffle all my references that generally I collect for my future paintings. Then mainu eh badalan wali painting bahut sohni lagdi and I start editing it. This is before and after editing the photo. Then I went to the printing shop, the print cafe, which is the best printing shop in the Kharad, but unfortunately on that day it was closed as it was a Sunday. I didn't want to delay the painting, so मैं जेडी भी शॉप खुली सी तो उस तो प्रिंट ले लिया जेडी की मेरी फर्स्ट गलती सी फिर मैं घर आया मैं घर आके सीधा पेंट करना स्टार्ट करता दैन मैं 5-6 दिन लगातार लग्या रहा On 7th day, I start getting frustrated that the painting was not looking good as it should. The colors was too dull. Then I checked the reference picture and it was totally different. The colors in the original image were so vivid. Then I cursed myself for like an hour. फिर मैं सोचा कि कोई नहीं ठीक कर लेंगे. And I spent like 5-6 hours on restoring those warm colors in the clouds. But it was not working. Today is 8th of April while I'm making this video. हले मैं एग्जीबिशन लिए 3 होर स्केचेस बनाने ने एंड फिर उन्होंने तो बाकी पेंटिंग्स नो फ्रेम भी कराना है एंड 2 वीडियोस होर बनानी है एंड ये सारा कुछ सिर्फ 23 दिन दे विच करना सो आई डिसाइडेड टू स्टॉप दिस पेंटिंग एंड विल कंप्लीट इट लेटर सो मैं इस गलती तो की सीखा लेसन नंबर 1 I was so focused on the details that I forget to step back and look at the bigger picture. Lesson number 2. Spending 9 days on a painting is a testament to my dedication and persistence as an artist. Although final result only si jada main socha si, but undoubtedly I learned and grew as an artist during this process. Lesson number 3. Don't make decisions in a hurry. एक सेकंड रुको सांस लो सोचो कि मैं ठीक कर रहे हैं कि नहीं इफ यस देन गो फॉर इट इफ नॉट देन वेट टेक सम टाइम थिंक एंड देन टेक डिसीजन नाउ बैक टू तरन बिकॉज आई वॉज केयरलेस बट ऑलवेज रिमेंबर वी लर्न फ्रॉम फेलियर्स नॉट फ्रॉम सक्सेस आप अपनी असफलता तो सीखते हैं ना कि कामयाबी तो